हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर को फंक्शन के साथ हाउ वी कैन यूज, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट। Structures can be used with function as number one, passing each element or member to a function. Second, passing entire structure to a function. चलिए first one हम लोग देखते हैं कि किसी स्ट्रक्चर के हरेक एलिमेंट को, ईच एलिमेंट को, ईच मेंबर को हम फंक्शन से कैसे पास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर के टेम्पलेट पर लिखते हैं, ध्यान देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है स्ट्रक्ट स्टूडेंट ओपनिंग ब्रैश कैर एस नेम साइज 20 सेमीकोलन। सेकेंड मेंबर है इंट रोल सेमीकोलन। थर्ड मेंबर है फ्लॉट फी सेमीकोलन। क्लोजिंग ब्रश सेमीकोलन। ये स्ट्रक्चर का टेम्पलेट है, ये मैंने डिफाइन किया है स्ट्रक्चर। इसके अंदर तीन एलिमेंट हैं, तीन मेंबर हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट। अब जैसा हम लोग जानते हैं, पहले भी मैंने बताया है कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए स्ट्रक्ट टैग नेम, टैग नेम यहाँ पर स्टूडेंट है और इस स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम है। यह एस जो है, इट इज टाइप ऑफ स्टूडेंट। एस इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप स्टूडेंट और इसके जो मेंबर हैं वो एस नेम है, रोल है और फी है। नाउ अब इन मेंबर्स को, इच मेंबर्स को पास करने के लिए हमें फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसे लिखना है, ये हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं, वर्ड पास कैर स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा इंट कॉमा फ्लॉट पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकॉलन। ये प्रोटोटाइप, ये डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन है। इस पास नाम के फंक्शन से तीन आर्गुमेंट पास हो रहा है। आप जैसा देख रहे होंगे ये तीन आर्गुमेंट क्या क्या हैं। पहला आर्गुमेंट है एरे ऑफ कैरेक्टर, दूसरा आर्गुमेंट है इंटीजर, तीसरा आर्गुमेंट है फ्लॉट। यानी कि हम इस तीन डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट को पास नाम के फंक्शन से पास कर रहे हैं। ये आपका हो गया डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन या प्रोटोटाइप। अब हम स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट हैं, स्ट्रक्चर के जो मेंबर हैं, उसको हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, नेम स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पर strcpy फंक्शन, जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, strcpy फंक्शन को, जो एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इसका यूज करके हम इसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। कैसे, तो strcpy पैरेंथेसिस
एस डॉट एस नेम कॉमा डबल कोट रवि पैरेंथेसिस क्लोज सेमी कॉलन। ये जो रवि है, ये जो स्ट्रिंग है, वो एस डॉट एस एन एम में कॉपी हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू वहां पर स्टोर हो गया। दूसरा जो मेंबर है स्ट्रक्चर का वो है एस डॉट रोल। इसमें हमने रोल नंबर दिया है 21 सेमी कॉलन। थर्ड वन एस डॉट फी 235 रुपीज़ 235.50 सेमी कॉलन। अब ये तो हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट को वैल्यू दे दिए। नेक्स्ट जो काम आता है कि हम कॉलिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन हो गया या प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन तो आप कर दिए, लेकिन इसका कॉलिंग स्टेटमेंट कैसे होगा सी प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले फंक्शन नेम लिखेंगे। इनसाइड द पैरेंथेसिस स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट को, ईच एलिमेंट को, ईच इंडिविजुअल एलिमेंट को हम पास कर रहे हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। एस डॉट एस नेम कॉमा एस डॉट रोल कॉमा एस डॉट फी पैरेंथेसिस क्लोज सेमी कॉलन। ये कॉलिंग स्टेटमेंट। अब आपने प्रोटोटाइप देख लिया, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन देख लिया, दूसरा आप उसका कॉलिंग स्टेटमेंट देख लिया। अब नेक्स्ट जो है वो है कॉल्ड पार्ट, फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट, इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब उसको हम कैसे लिखेंगे। नाउ द कॉल्ड पार्ट कैन बी रिटन एज वर्ड पास कैर एन एम स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा इंट आर कॉमा फ्लॉट एफ। नेक्स्ट लाइन में ओपनिंग ब्रैकेट देन प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट न्यू लाइन नेम परसेंटेज डबल कोट क्लोज कॉमा एन एम पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। अब जो भी आपने कॉलिंग स्टेटमेंट से सेंड किया वो सब कॉल्ड पार्ट में रिसीव हो गया। एस डॉट एस एन एम कहाँ रिसीव हुआ, कैर एन एम, एन एम में रिसीव हो गया। एस डॉट रोल कहाँ रिसीव हो गया, इंट आर में रिसीव हो गया। एस डॉट फी कहाँ रिसीव हुआ, फ्लॉट एफ में रिसीव हो गया। अब उसी को हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट न्यू लाइन रोल नंबर परसेंट डी डबल कोट क्लोज कॉमा आर पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट न्यू लाइन फी परसेंट एफ डबल कोट क्लोज कॉमा एफ। इस तरह से हम इसका कॉल्ड पार्ट लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं, सारे अलग अलग कोड्स को एक साथ प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं और फिर रन करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सेम है struct student char s name size 20 int roll semicolon float fee semicolon closing brass semicolon। तो यहाँ पर एक structure बन गया student नाम का। इसके तीन member हैं s name roll और fee। अब main method लिखते हैं, main function के अंदर int main। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। यहाँ पर हमने एस एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो स्टूडेंट टाइप का है, स्ट्रक्ट टाइप का। दूसरा स्टेटमेंट है डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। वॉइड पास कैर स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा इंट कॉमा प्लॉट पैरेंथेसिस क्लोज सेमी। एस टी आर सी पी वाई
एस डॉट एस नेम कॉमा डबल कोट रवि डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमी कॉमा। अब स्ट्रक्चर एलिमेंट को का जो एस नेम है उसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दिया। दूसरा एस डॉट रोल असाइनमेंट ऑपरेटर 21 सेमी कॉलम रोल नंबर 21 हमने स्टोर कर दिया। एस डॉट फी असाइनमेंट ऑपरेटर 235.50 सेमी कॉलम। ये सब स्ट्रक्चर एलिमेंट के अंदर वैल्यू स्टोर हो गए। नाउ नेक्स्ट टास्क इज टू पास। अब हम लोग कॉलिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस ईच एलिमेंट ऑफ द फंक्शन ईच मेंबर ऑफ द फंक्शन पास सेपरेटेड बाय कॉमा। तो पहला मेंबर क्या है? एस डॉट एस नेम कॉमा एस डॉट रोल कॉमा एस डॉट फी पैरेंथेसिस क्लोज सेमी कॉलम मेन मेथड क्लोज रिटर्न क्लोजिंग डैश। अब हमने मेन मेथड मेन फंक्शन लिख दिया। नेक्स्ट अब इसका कॉल देखते हैं। तो कॉल पार्ट वर्ड पास पैरेंथेसिस के अंदर कैर एनएम एक स्ट्रिंग वेरिएबल आ गया कॉमा इंट आर इंटीजर टाइप का वेरिएबल आर आ गया फ्लॉट एफ फ्लॉट टाइप का वेरिएबल एफ आ गया जो कि सारे कॉलिंग पार्ट से जो वैल्यू आ रहा है उसको ये रिसीव करेगा। अब नेक्स्ट लाइन में ओपनिंग ब्रैकेट प्रिंट एफ स्टूडेंट नेम परसेंटेज डबल कोट क्लोज कॉमा एन एम प्रिंट एफ डबल कोट न्यू लाइन रोल नंबर इक्वल टू परसेंट डी डबल कोट क्लोज कॉमा आर पैरेंथेसिस क्लोज सेमी कॉलन प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट न्यू लाइन फी इक्वल टू परसेंट एफ डबल कोट क्लोज कॉमा एफ पैरेंथेसिस क्लोज क्लोजिंग ब्रैकेट। अब ये एक कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। आ रहा है समझ में ना? ठीक है, तो ये पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। अब इसको आप रन करिए। अब इसको रन करते हैं हम लोग। रन करते हैं तो ये स्टूडेंट नेम रवि रोल नंबर 21 फी में 235.50 जो हमने स्टोर किया था उसको इसने डिस्प्ले कर दिया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम लोग। इस एग्जांपल में हमने सेम प्रोग्राम सेम है बट इसमें हमने स्ट्रक्चर का टेम्पलेट सेम है मेंबर सेम है इसमें बस हम वैल्यू जो है यूजर से ले रहे हैं। सो स्ट्रक्ट स्टूडेंट कैर एस नेम 20 साइज इंट रोल सेमी कॉलम फ्लॉट फी सेमी कॉलम क्लोजिंग ब्रास सेमी कॉलम। अब स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन कर दिया। अब मेन फंक्शन को लिखते हैं। मेन के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस सेमी कॉलम। उसके बाद फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं void pass char स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा int कॉमा float parenthesis close semicolon। ये डिक्लेरेशन इस बात को बताता है कि pass नाम का फंक्शन से हम तीन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं एक float टाइप का दूसरा इंटीजर टाइप का और तीसरा string array of characters। अब हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट क्या है प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट न्यू लाइन इंटर द नेम पैरेंथेसिस डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमी कॉलम। नेक्स्ट लाइन स्कैन एफ पैरेंथेसिस डबल कोट परसेंट एस डबल कोट क्लोज कॉमा एस डॉट एस नेम पैरेंथेसिस क्लोज सेमी कॉलम। दूसरा प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट न्यू लाइन इंटर द रोल नंबर डबल कोट क्लोज
parenthesis close, semicolon. Then scanf, parenthesis, double quote, percent d, double quote close, comma, ampersand a dot roll, parenthesis close, semicolon. इस तरह से हम नेम भी रीड कर लिए, रोल नंबर भी रीड कर लिए. अब एक मेंबर और बच गया, फी. सो अगेन राइट प्रिंट एफ, पैरेंथेसिस, डबल कोट, न्यू लाइन, इंटर द फी, डबल कोट क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन. स्कैन एफ, पैरेंथेसिस, डबल कोट, परसेंट एफ, डबल कोट क्लोज, कॉमा, एम्परसेंट एस डॉट पी, पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन. अब हमने स्ट्रक्चर के सारे मेंबर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर दिया बाय यूजर. अब हम कॉलिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे. ये जो पास नाम का फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है उसमें कॉलिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट को हम कैसे पास करेंगे. तो जैसे पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा, इन द सेम वे यहाँ पर भी हम पास एस डॉट एस नेम कॉमा एस डॉट रोल कॉमा एस डॉट ई पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन रिटर्न क्लोजिंग. तो मेन क्लोज हो गया. अब नेक्स्ट इसका क्या पार्ट बच रहा है, कॉल्ड वॉइड पास कैर एन एम स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा इंट आर कॉमा फ्लॉट एफ. अब जो भी कॉलिंग स्टेटमेंट से वैल्यू आएंगे वो कहाँ रिसीव हो रहा है, कॉल्ड पार्ट के एन एम में, आर में और एफ में. अब ओपनिंग ब्रास नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एफ स्टेटमेंट के सारे रिसीव्ड वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले कर सकते हैं. प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट न्यू लाइन स्टूडेंट नेम परसेंटेज डबल कोट क्लोज कॉमा एन एम पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन. प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट न्यू लाइन रोल नंबर परसेंट डी डबल कोट क्लोज कॉमा आर पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन. प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट क्लोज न्यू लाइन फी परसेंट एफ डबल कोट क्लोज कॉमा एफ सेमीकोलन क्लोजिंग ब्रैकेट. अब ये कॉल्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गए. अब ये सारे इस प्रोग्राम के सारे स्टेटमेंट हमने लिख दिए. अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे इसको. ये सारा कोड ब्लॉक्स में लिखा गया है, इसको अब हम रन करते हैं. रन करने पर ये आउटपुट आपके सामने आएगा. इंटर द नेम पूछ रहा है नाम, तो हमने डाला कृष्णा. फिर पूछा इंटर द रोल नंबर, तो हमने डाला 11. फिर पूछा इंटर द फी, तो हमने डाला 100.45. इसने क्या दिखाया, स्टूडेंट नेम कृष्णा, रोल नंबर 111, फी 100.45. तो उसको 44997, दैट इज 4.5. नेक्स्ट एक और तरीका है फंक्शन और स्ट्रक्चर को यूज करने का, और वह तरीका है पॉइंटर को यूज करके. सो अनदर वे टू इम्प्लीमेंट फंक्शन एंड स्ट्रक्चर टू पास एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर टू फंक्शन. याद रखिए, टू पास एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर टू फंक्शन, पास एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर टू फंक्शन. अब स्ट्रक्ट टैग नेम ओपनिंग ब्रास डेटा टाइप 1 वेरिएबल नेम 1 डेटा टाइप 2 वेरिएबल नेम 2 सेमीकोलन क्लोजिंग ब्रास सेमीकोलन स्ट्रक्ट टैग नेम एसटी कॉमा आस्टिक पीटीआर सेमीकोलन. नाउ असाइन द एड्रेस ऑफ एसटी टू द पॉइंटर पीटीआर एज.
PTR असाइनमेंट ऑपरेटर एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल st के एड्रेस को हम PTR नाम के पॉइंटर को दे दे रहे हैं, असाइन कर दे रहे हैं। अब हाउ टू एक्सेस मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर। एज यू नो कि स्ट्रक्चर के मेंबर को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे यूज करते हैं पॉइंटर। जब हम यूज कर रहे होते हैं तो सबसे पहले पॉइंटर नेम, देन डॉट ऑपरेटर, देन स्ट्रक्चर मेंबर नेम। फॉर एग्जांपल आस्टिक पीटीआर इनसाइड द पैरेंथेसिस डॉट मेंबर वन सेमीकोलन, फिर आस्टिक पीटीआर इनसाइड द पैरेंथेसिस डॉट मेंबर टू सेमीकोलन। अब ये आस्टिक पीटीआर को इनसाइड द पैरेंथेसिस लिखने का यहाँ पर जो हायरार्की ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स है उसको फॉलो किया जाएगा, किसकी हायर प्रेसिडेंसी है तो उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर पॉइंटर को आस्टिक पीटीआर को इनसाइड द पैरेंथेसिस लिखा जाएगा। अभी आप इतना समझ। सेकंड मेथड है, दूसरा तरीका है, दूसरा वे है यूजिंग पॉइंटर टू या एरो ऑपरेटर या कह लो मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर को यूज करके भी हम स्ट्रक्चर के मेंबर को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। PTR एरो ऑपरेटर मेंबर नेम सेमीकोलन, PTR एरो ऑपरेटर मेंबर नेम सेमीकोलन। अब इस पर एक प्रोग्राम देखिए, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय कैर ई नेम, कैर ई नेम दूसरा मेंबर है, फ्लॉट सैलरी, फिर स्ट्रक्चर को क्लोज किया सेमी कॉलम लगाया, फिर मेन इंट मेन ओपनिंग ब्रास। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ई कॉमा आस्टिक ई पी टी आर सेमी कॉलम, यहाँ पर ई एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है सिंपली और एक पॉइंटर है ई पी टी आर जो कि एम्प्लॉय टाइप का है स्ट्रक्ट टाइप। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस को, स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस को किसको दे रहे हैं, पॉइंटर ई पी टी आर, और स्ट्रक्चर के जो मेंबर हैं उनको हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला मेंबर है ई नेम, तो एस टी आर सी पी वाई फंक्शन यूज करके इंस ई डॉट ई नेम कॉमा एस के एस डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमी कॉमा। दूसरा ई डॉट सैलरी असाइनमेंट ऑपरेटर 2000.00 सेमी कॉमा। नाउ अब इन सबको हम डिस्प्ले करते हैं यूजिंग प्रिंट एफ स्टेटमेंट। तो पहला लाइन हमने लिखा है प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट न्यू लाइन एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। सेकंड प्रिंट एफ एम्प्लॉय के नेम को डिस्प्ले करेगा, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट न्यू लाइन एम्प्लॉय नेम परसेंट एस डबल कोट क्लोज कॉमा ई पी टी आर एरो ऑपरेटर ई नेम पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। थर्ड स्टेटमेंट प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट सैलरी परसेंट एफ डबल कोट क्लोज कॉमा ई पी टी आर एरो ऑपरेटर सैलरी पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन रिटर्न क्लोजिंग मेन हो गया क्लोज। इसके बाद इस फंक को हम रन करते हैं।
रन जब करेंगे तो ये आपको आउटपुट मिलेगा। एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय नेम इज एस के एस, सैलरी इज 2000 रुपीज। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। यहां पर हम सेम एग्जांपल है और पूरे स्ट्रक्चर को हम पास कर रहे हैं, इंटायर स्ट्रक्चर को आप पास कर रहे हैं यूजिंग पॉइंट। सो सेम स्ट्रक्ट एम्प्लॉय कैर इन एन साइज 20 फ्लॉट सैलरी क्लोजिंग ब्रास सेम। इस एम्प्लॉय नाम के सेल स्ट्रक्चर को मैंने टेम्प में दो मेंबर है, एक ई नेम है और दूसरा सैलरी है। अब मेन मेथड लिखते हैं। मेन मेथड के अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ई सेमी कॉलम, तो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट थिंग प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन या कहो डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, तो क्या लिखेंगे, void pass struct employ asterisk parenthesis close semicolon। इस स्टेटमेंट पर ध्यान दो, इस लाइन पे ध्यान दो, ये फंक्शन डिक्लेरेशन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि फंक्शन नेम पास है और इसके अंदर जो आर्गुमेंट है वह पॉइंटर है, यानी कि हम एड्रेस पास करने जा रहे हैं। नाउ अब हम यूजर से वैल्यू लेके स्ट्रक्चर मेंबर में स्टोर कर रहे हैं। प्रिंट इंटर द एम्प्लॉय नेम डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन, स्कैन एफ पैरेंथेसिस डबल कोट परसेंटेज डबल कोट क्लोज कॉमा ई डॉट ई नेम पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। प्रिंट एफ दूसरा स्टेटमेंट पैरेंथेसिस डबल कोट क्लोज न्यू लाइन इंटर द बेसिक सैलरी डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन, स्कैन एफ पैरेंथेसिस डबल कोट परसेंट एफ कॉमा डबल कोट क्लोज एम परसेंट ई डॉट सैलरी। अब हमने स्ट्रक्चर के मेंबर में यूजर से वैल्यू लेके स्टोर कर दिया। नेक्स्ट का अब अगला स्टेटमेंट क्या होगा, अगला स्टेटमेंट कॉलिंग स्टेटमेंट। अब आप देखो कि इंटायर स्ट्रक्चर को यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पास पैरेंथेसिस के अंदर एड्रेस ऑफ ई। एड्रेस ऑफ ई मतलब क्या हुआ कि हम पूरा स्ट्रक्चर को इंटायर स्ट्रक्चर को पास कर रहे हैं। पिछले एग्जांपल में आपने क्या देखा, इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर आप पास कर रहे थे, यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर को आपने पास कर दिया, पूरे स्ट्रक्चर के एड्रेस को आपने पास कर दिया, एड्रेस ऑफ ई, पासिंग एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल ई। मेन को क्लोज, आफ्टर दैट कॉल्ड पार्ट वर्ड पास। अब इंटायर स्ट्रक्चर जब आप पास कर रहे हैं तो उसको एड्रेस पास कर रहे हैं, तो उस एड्रेस को रिसीव करने के लिए जब आप इंटायर स्ट्रक्चर के एड्रेस को पास करेंगे तो उस स्ट्रक्चर को रिसीव करने के लिए कॉल्ड पार्ट में सेम टाइप का एम्प्लॉय टाइप का ही कोई पॉइंटर होना चाहिए, क्योंकि एड्रेस को कौन स्टोर करता है, पॉइंटर करता है ना। सो यहाँ पर स्ट्रक्ट एम्प्लॉय आस्टिक ईपी लिखे हैं, ईपी क्या है, पॉइंटर का नाम है। अब नेक्स्ट लाइन में ओपनिंग ब्रास, उसके बाद प्रिंटर एम्प्लॉय नेम कॉलन परसेंटेज डबल कोट क्लोज ईपी एरो ऑपरेटर ई नेम क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन। नेक्स्ट प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट न्यू लाइन सैलरी इक्वल टू
परसेंट है डबल कोट क्लोज कॉमा ईपी एरो ऑपरेटर सैलरी क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमी कॉलन क्लोजिंग ब्रैकेट। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से तुम देखोगे कि हम लोग स्ट्रक्चर के एक एक एलिमेंट को फंक्शन से पास किए, फिर अभी हम इस एग्जांपल में ये देख रहे हैं कि इंटायर स्ट्रक्चर को आप पास कर रहे हो, इंटायर स्ट्रक्चर के एड्रेस को पास कर दे रहे हो। चलिए अब इसको हम रन करते हैं। तो पूछ रहा है इंटर द एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ हमने राज इंटर किया। फिर इंटर द बेसिक सैलरी, तो 2000 मैंने इंटर किया। फिर ये डिस्प्ले कर रहा है एम्प्लॉय नेम राज सैलरी 2000.000। तो ये आपका एक कंप्लीट वीडियो है कि हाउ टू डील विथ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर एज वेल एज पॉइंटर। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आए। ओके, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर। वन रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर। आप लोगों ने काफ़ी कॉपरेट किया है, बट more we have to do। Thank you।